हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल सबको शिक्षा पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कंट्रोल सिस्टम के सिग्नल फ्लो ग्राफ्स की क्विज को देखेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर वन है, अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल ऑफ द सेट लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। एक जो जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक रिलेशनशिप का, तो किसके बिटवीन होता है? द वेरिएबल्स ऑफ सेट लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो ये क्या सही है गलत है? तो इसका आंसर है ट्रू, ये सही है। बाय डेफिनेशन सिंगल फ्लो ग्राफ्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ द सेट लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर टू, नोड हैविंग ओनली आउट गोइंग ब्रांचेस। ऑप्शन ए इनपुट नोड, ऑप्शन बी आउटपुट नोड, ऑप्शन सी इनकमिंग नोड एंड ऑप्शन डी आउटगोइंग नोड। एक नोड जो इसके पास ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस होते हैं वो है इनपुट नोड। नोड्स आर द पॉइंट्स बाय विच द ब्रांचेस आर आउटगोइंग आर इनगोइंग एंड दिस कैन बी इनपुट और आउटपुट नोड। एंड इनपुट नोड इज द नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। नोड्स क्या होते हैं? तो एक पॉइंट होते हैं जिससे ब्रांचेस ये आउटगोइंग और इनगोइंग and this can be input or output node, and input node is the node having only outgoing branches। और input node एक ऐसा node होता है जो सिर्फ out जिसमें सिर्फ outgoing branches होते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, यूज मैसन्स गेन फार्मूला टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ। मैसन्स गेन फार्मूला के फार्मूला से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ का, जो नीचे दिया हुआ सिग्नल फ्लो x1 ए, एक्स टू बी और एक्स थ्री और एक्स टू कनेक्टेड है सी से, वहाँ उसके बाद डी एक्स फोर ई एक्स फाइव, एक्स फोर एक्स फाइव कनेक्टेड है एफ से विच एरो टूवर्ड द एक्स फोर जी और एक्स सिक्स। तो मैसन्स गेन फार्मूला का यूज़ करना है और हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है इस दिए गए सिग्नल फ्लो ग्राफ का। तो ऑप्शन ए है ए बी डी अपॉन वन माइनस ए सी, ए बी डी जी अपॉन वन माइनस बी सी प्लस ई एफ इन ब्रैकेट कंप्लीट प्लस वन ब्रैकेट प्लस बी सी ई एफ, एंड ऑप्शन सी ए बी डी अपॉन वन माइनस इन ब्रैकेट बी सी प्लस ई एफ प्लस बी सी ई एफ, ए डी सी डी ई एफ अपॉन वन माइनस इन ब्रैकेट बी सी प्लस ई एफ प्लस बी सी ई एफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए बी डी जी अपॉन ए बी डी ई जी जो अल्फ़ाबेट है अपॉन वन माइनस बी सी प्लस ई एफ प्लस बी सी ई एफ प्लस बी सी ई एफ। यूजिंग मैसन्स गेन फार्मूला ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम सिग्नल फ्लो ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड विच रिलेट द फॉरवर्ड पाथ गेन टू द वेरियस पाथ्स एंड लूप्स। क्वेश्चन नंबर फोर, यूज मैसन्स गेन फार्मूला टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है और मैसन्स गेन फार्मूला से हमें ट्रांसफर फंक्शंस फाइंड करना है। तो ऑप्शन है ए बी सी डी प्लस ई एफ जी अपॉन वन माइनस सी डी माइनस एफ जी माइनस सी डी एफ जी, ऑप्शन बी ए सी डी एफ जी प्लस बी सी ई एफ जी अपॉन वन माइनस सी डी माइनस एफ जी माइनस सी डी एफ जी, ऑप्शन सी ए बी ई एफ प्लस बी सी डी अपॉन वन माइनस सी डी माइनस एफ जी माइनस सी डी एफ जी, ऑप्शन डी ए डी सी डी ई एफ जी अपॉन वन माइनस सी डी माइनस एफ जी माइनस सी डी एफ जी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए सी डी एफ जी प्लस बी सी ई एफ एफ जी अपॉन वन माइनस सी डी माइनस एफ जी माइनस सी डी एफ जी। क्वेश्चन नंबर फाइव, लूप विच डू नॉट पजेसेस एनी कॉमन नोड आर सेड टू बी ब्लैंक लूप्स। जो लूप्स कुछ नहीं पजेस करते, जो कॉमन नोड पजेस नहीं करते, उन लूप्स को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए फॉरवर्ड गेन, ऑप्शन बी क्या है टचिंग लूप्स, ऑप्शन सी क्या है नॉन टचिंग लूप्स और ऑप्शन डी क्या है फीडबैक है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी नॉन टचिंग लूप्स। लूप इज ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क इन विच द ब्रांच स्टार्ट्स फ्रॉम द नोड एंड कम्स बैक टू द सेम नोड एंड नॉन टचिंग लूप मस्ट नॉट हैव एनी नोड इन कॉमन। नॉन टचिंग लूप में कोई भी कॉमन नोड होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिग्नल फ्लो ग्राफ्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए दे अप्लाई टू द लीनियर सिस्टम,
Option B. The equation obtained may or may not be in the form of cause or effect. Option C. Errors are not important in the graph. Option D. They cannot be converted back to block diagram. तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए. दे अप्लाई टू लीनियर सिस्टम्स. सिग्नल फ्लो ग्राफ्स आर यूज्ड टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम बाय कन्वर्टिंग द ब्लॉक डायग्राम्स इनटू द सिग्नल फ्लो ग्राफ्स और डायरेक्टली बट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द नॉन लीनियर सिस्टम्स. क्वेश्चन नंबर 7. सिग्नल फ्लो ग्राफ्स आर रिलायबल टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन देन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक. सिग्नल फ्लो ग्राफ्स रिलायबल होते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए ब्लॉक डायग्राम देन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक. ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से अच्छा है कि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करें जिससे सिग्नल फ्लो ग्राफ्स अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये सही है गलत है या एक गलत ये सही है गलत है तो उसमें से हमें फाइंड करना है और ये है सही. एज वन सेट टेक्निक्स एंड फार्मूला इज यूज हियर बट इन ब्लॉक डायग्राम टेक्निक्स वेरियस मेथड्स आर इन्वॉल्व विच इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो वन सेट टेक्निक एंड फार्मूला इज यूज ज़्यादातर वही यूज होता है ना कि ब्लॉक डायग्राम टेक्निक जिसमें वेरियस मेथड्स होते हैं जिससे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 8. द रिलेशन बिटवीन एन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल ऑफ ए सिग्नल फ्लो ग्राफ इज गिवन बाय द नेट गेन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नोड इज नोन एज द ओवरऑल प्लैंक. जो रिलेशन होता है इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल का सिग्नल फ्लो ग्राफ के ये किससे डिस्क्राइब होता है और नेट गेन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नोड इज नोन एज द ओवरऑल ये क्या होता है. तो ऑप्शन ए है ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम. सिस्टम का ओवरऑल गेन होता है. ऑप्शन बी स्टेबिलिटी. ऑप्शन सी बैंडविड्थ एंड ऑप्शन डी स्पीड. इसका सही आंसर है ए ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम. द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल ऑफ अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 9. यूज मैसन्स गेन फार्मूला टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन फिगर. मैसन गेन फार्मूला से हमें कैलकुलेट करना है इस फिगर का ट्रांसफर फंक्शन आर एक्स वन जी वन माइनस एच जो x2 से x1 पॉइंट होता है माइनस एच लूप x1 से x3 g2 लूप से होता है x2 वन x3 सी इंडेक्स है. तो इसका हमें आंसर फाइंड करना है कि इससे कैसा आंसर हम निकालें. तो इसका सही आंसर है g1 प्लस g2 अपॉन 1 प्लस g1 h सेकंड ऑप्शन. यूज मैसन्स गेन फार्मूला टू सॉल्व द सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड बाई यूजिंग मैसन्स गेन फार्मूला ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम सिग्नल फ्लो ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड विच रिलेट द फॉरवर्ड पाथ गेन टू द वेरियस पाथ्स एंड लूप्स. क्वेश्चन नंबर 10. यूज मैसन्स गेन फार्मूला टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन फिगर. तो जो हमें फिगर क्वेश्चन नंबर 9 पे दी थी उसे हमें यहाँ पे अज्यूम करना है और इससे हमें ये फाइंड करना है कि मैसन्स फार्मूला फाइंड करना है. तो जी वन प्लस जी टू ऑप्शन ए जी वन प्लस जी वन अपॉन वन माइनस जी वन एच प्लस जी टू एच. ऑप्शन सी जी वन प्लस जी टू अपॉन वन प्लस जी वन एच प्लस जी टू एच एंड ऑप्शन सी जी वन माइनस जी टू. तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी. यूजिंग मैसन फार्मूला ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम सिग्नल ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड विच रिलेटेड द फॉरवर्ड पाथ गेन टू द वेरियस पाथ्स एंड लूप्स. तो इसी तरह से हमने कंट्रोल सिस्टम सिग्नल फ्लो ग्राफ्स क्विज का पार्ट वन खत्म कर लिया. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबको शिक्षा. और तब तक के लिए आप अपनी हेल्थ हमेशा अच्छी रखिए हमेशा मोटिवेटेड रहे स्टडी के लिए ऑलवेज तैयार रहिए बी रेडी फॉर एवरी मोमेंट टू स्टडी और हमेशा मोटिवेटेड रहिए इंस्पिरेटेड रहिए और लोगों के बीच में एक मिसाल बनिए हमेशा स्टडी करते रहिए. धन्यवाद.